नमस्कार। लेम की श्रृंखला के चौथे दिन में आज हम ये वाला लेम बनाने जा रहे हैं और इसका नाम है डोडेकाहेड्रॉन। बनाने की शुरुआत हमने टेट्राहेड्रॉन से की थी और इसमें हर एक कोने पे तीन त्रिकोण मिलते हैं और उसके बाद में हमने क्यूब बनाया था और क्यूब में देखा कि हर एक कोने पे तीन चौकोण मिल रहे हैं और आज हमने डोडेकाहेड्रॉन बनाया है और इसके हर एक कोने पे तीन पंचकोण मिल रहे हैं और किसी भी कोने पे आप देखेंगे कि हर एक कोने पे तीन पंचकोण मिलते हुए आपको दिखाई देंगे। इस डोडेकाहेड्रॉन में 12 फेस, 20 कोने और 30 साइड हैं और इनकी सबसे अच्छी बात इस डोडेकाहेड्रॉन की यह है कि ये जिस पेंटागन से मिलकर बना हुआ है ये रेगुलर पेंटागन है और इस रेगुलर पेंटागन की एक खास बात यह है कि इसकी जो डायगनल है, डायगनल और साइड का जो रेशियो है वो गोल्डन रेशियो में होता है। गोल्डन रेशियो हर जगह हमारे आसपास में दिखाई देता है। हो सकता है हमने ये नाम काफी अनसुना सा लगे लेकिन अगर हम पाएंगे कि जो व्यक्ति खूबसूरत है तो उसका कारण भी गोल्डन रेशियो है। और तो और हेमचंद्र फिबोनाची नंबर और फूलों की जो पत्तियां जो हमें सुंदर दिखाई देती है फूल, वो सभी गोल्डन रेशियो में होने के कारण सुंदर दिखाई देते हैं। और गोल्डन रेशियो के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस डोडेकाहेड्रॉन की अगर मैं सारी डायगनल्स को आपस में मिला दूं तो हमें एक क्यूब बन जाता है इसके अंदर और वो कुछ ऐसा दिखता है। ये हमारा क्यूब है और अगर मैं इसको खोल देता हूं तो ये मेरा फिर से डोडेकाहेड्रॉन बन जाता है और आप इसमें आप अच्छी तरीके से देख पाएंगे कि हमने इसकी हर एक डायगनल को काट दिया है। तो इसके अंदर ये डोडेकाहेड्रॉन के अंदर आप पाएंगे कि इसके अंदर एक खाली क्यूब बैठा हुआ है। ये अब डोडेकाहेड्रॉन है और अगर मैं इसको बंद कर दूं तो फिर से ये क्यूब बन जाता है और इसके अंदर क्या खाली जगह है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर मैं इसके पेंटागन के सेंटर पॉइंट को अगर आपस में सभी सेंटर पॉइंट को अगर आपस में मिला दूं तो हमारा एक और नया स्ट्रक्चर बन जाता है जिसका नाम है आइकोसाहेड्रॉन। उसके लिए हमने एक मॉडल ऐसा बना रखा है हमारी लैब में और इसमें आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि अगर मैं इसके पेंटागन का सेंटर पॉइंट अगर मैं मिला दूं तो आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल बन रहा है और ऐसा हर ट्रायंगल हर जगह बन रहा है और इसके हर एक वर्टेक्स पे 5 ट्रायंगल मिल रहे हैं और इस स्ट्रक्चर को आइकोसाहेड्रॉन बोल रहे हैं और वो ये वाला स्ट्रक्चर हम कल बनाएंगे। इस डोडेकाहेड्रॉन को हम अलग अलग तरीके से काट के अलग अलग तरीके की केप बना सकते हैं। अगर मैं इस डोडेकाहेड्रॉन को सीधा जमीन पे ऐसे इसकी जो फेस है उसको जमीन पे रख के और कट लगा दूं तो हमारी इस तरह की केप बनेगी और अगर इसी डोडेकाहेड्रॉन को अगर मैं इसकी जो ये जो साइड है जो एज है उसके ऊपर सीधा रखूं और फिर कट लगा दूं तो ये दूसरी तरह की केप बन सकती है। और अगर मैं फिर एक तरीके से और कर सकता हूं कि ये जो कोना है उस कोने पे अगर मैं इसको जमीन पे रखूं सीधा रख के और बीच में से कट लगा दूं तो ये मेरी तीसरी तरह की केप बन जाती है। इस डोडेकाहेड्रॉन के बारे में और अधिक जानकारी जैसे इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका डायहेड्रल एंगल कितना होगा, इसका इन रेडियस कितना होगा, ये सभी जानकारी के लिए हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है एक अलग से यूट्यूब का वीडियो बना के। धन्यवाद।